आज हम चाय पर चर्चा करेंगे और अक्सर मेरे डायबिटीज या वेट लॉस के पेशेंट पूछते हैं कि मॉर्निंग में चाय के साथ या इवनिंग स्नैक्स के समय चाय के साथ हम क्या ले सकते हैं। और अक्सर उनका फेवरेट होता है कुछ इस प्रकार के बिस्किट्स। देखिए, चाय मेरे डायबिटीज के या वेट लॉस के पेशेंट विदाउट शुगर लेते हैं, बड़ा मन मार के। कुछ शुगर फ्री स्वीटनर जैसे स्टीविया डाल लेते हैं। दूध भी अक्सर मैं डायबिटीज के पेशेंट्स को बोलता हूं कि वो अधिक से अधिक अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि उसके साथ में ब्लड शुगर को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में पानी में उनकी एकदम सिंपल चाय बनती है, कुछ चम्मच उसके अंदर वो लोग दूध डालते हैं जस्ट वाइटनिंग के लिए। शक्कर अवॉइड करते हैं, या तो स्टीविया यूज करते हैं या फीकी चाय लेते हैं, ये सोच करके कि उनकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी। पर वो किस तरह से ट्रैप में फंसते हैं, देखिए उदाहरण आपके सामने है। जो उनके फेवरेट बिस्किट्स हैं, उन्हीं में से एक बिस्किट मैंने सामने रखा है, और इस तरह के हरे से रैपर के अंदर, हरे पीले रैपर में ये बिस्किट आता है। मैं इस कंपनी का नाम डिस्क्लोज करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी ब्रांड के बारे में मैं कुछ बोलूं। हाँ, पर ये जरूर है, इस बिस्किट का टेस्ट इतना सादा और सिंपल है कि अगर मैं अपने पेट को भी देना चाहता हूं तो वो भी खाने के पहले 4 बार सोचता है। परंतु मरीज इसको खाते हैं ये सोच करके कि उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगी। और ये लोग क्लेम भी करते हैं, इसके ऊपर लिखा है शुगर फ्री बिस्किट्स। अब ये पढ़ करके मरीज धोखे में आ जाता है, शुगर फ्री क्रैकर। वहीं पर जब इनकी साइट पर जाकर के आप स्टडी करेंगे तो लिखा है डायबिटीज फ्रेंडली। अब ये कितना डायबिटीज फ्रेंडली है इसे आप जान लीजिए। जब आप इसका लेबल ड्राफ्ट पढ़ेंगे, चूंकि ये बहुत बारीक है तो मैंने इसका फोटो खींचा है और सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसके लेबल ड्राफ्ट में ईच 100 ग्राम के अंदर लगभग 463 किलो कैलरी है, प्रोटीन 10 ग्राम है 100 ग्राम के अंदर, वहीं पर फैट लगभग 15 ग्राम है, और मेन इंग्रेडिएंट आता है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है 72%, 100 ग्राम में 72 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, शुगर 0 है। ये बात सही है, परंतु जब ये कार्बोहाइड्रेट जो 72% है हमारे पेट में जाएगा, ये स्टार्च के फॉर्म में है, ये मैदा का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सीधा ग्लूकोज बनाएगा और ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। तो अगर आपने 2-4 बिस्किट भी खा लिए तो 1 या 2 या 3 चम्मच आपके पेट में शक्कर चली गई। अब ये क्वांटिटी उतनी बड़ी नहीं है, परंतु जहां पेशेंट चाय के अंदर शक्कर अवॉइड कर रहा है, वहां आप उसको हर स्नैक्स के साथ में, जब भी वो चाय लेने की कोशिश करता है तो आपके बिस्किट्स कंज्यूम करता है और एडिशनल शक्कर अंदर ले जाता है, ये ठीक नहीं है। तो डायबिटीज और वेट लॉस के पेशेंट्स को इस प्रकार के या इससे मिलते जुलते दूसरे बिस्किट्स को अवॉइड करना चाहिए, और लेबल ड्राफ्ट जो इसके ऊपर लिखा है उसको ध्यान से स्टडी करना चाहिए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के 3 हिस्से हैं, ये टोटल कार्बोहाइड्रेट, इसके 3 हिस्से। पहला स्टार्च, ये स्टार्च पेट में जाके शक्कर बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा सीधा। दूसरा हिस्सा है शुगर, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, जो कंपैरेटिवली ज्यादा खतरनाक है पर है स्टार्च के बराबर ही। तो ये दूसरा हिस्सा है जो इसमें जरा भी उपलब्ध नहीं है। तीसरा हिस्सा होता है फाइबर। अब फाइबर इसके अंदर 0 है, क्योंकि ये मैदा से बनाए गए होंगे, इन्होंने लिखा ही नहीं है, तो फाइबर इसमें है नहीं। मतलब पूरा 72% जो है वो स्टार्च के फॉर्म में है, और ये पेट में जाकर के सीधा ग्लूकोज बनाएगा, ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। तो जो लोग डायबिटीज के हैं उनकी ब्लड शुगर बढ़ेगी, और जिनको वेट लॉस करना है उनको वेट लॉस करने में तकलीफ होगी। तो इस तरह की चीजों से बचें, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस प्रोडक्ट रिलेटेड हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।